पीस पार्टी हर उपायों का विरोध करती है जो देश को धर्म और जात के नाम पर बांटने का काम करती है, जो जनता के हित के विरोध काम करने का काम करती है। तो आज इस सरकार ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला रही है, जो संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है, संविधान की धारा 14 से लेकर 21 के विरुद्ध है, जो मुसलमानों को इस देश के नागरिक बनाने से बाहर करने का जो ये बिल ला रही है, इस संप्रदाय के बिल का पीस पार्टी दो अहम मुद्दों पर यहाँ प्रेसवार्ता कर रही है, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब प्रेस वार्ता को, आप सभी साथियों को जो देश के अंदर हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। ख़ास तौर से जिस तरीके से हुकूमत CAB के अंदर मजहबी बात ला रही है, दूसरा मसला है कि हम लोग रिव्यू के रिगार्डिंग से मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट साहब से कि वो तमाम साथियों को संबोधित करें। सभी पत्रकार बंधुओं को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं हरमकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, पीस पार्टी 10 फरवरी 2008 को बनी और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों में इसका संगठन और कार्यक्रम रहा, चुनाव में हिस्सा लिया। 2012 में इसके 4 विधायक विधानसभा में चुने गए और अध्यक्ष रहने के साथ मैं भी खलीलाबाद विधानसभा से विधायक चुना गया और 2007 तक विधायक रहा। पीस पार्टी का बुनियादी काम इस देश में समाज के अंदर धर्म और जाति के नाम पर विभेद का विरोध करना है और सभी इस देश के नागरिकों को संविधान के अनुरूप, संविधान के हिसाब से न्याय दिलाना और समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष करना, वो पीस पार्टी का लक्ष्य रहा है और पीस पार्टी इसका हमेशा किसी भी तरीके के विभेद को, भेदभाव का विरोध करती रही है। इसी क्रम में आज पीस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रेस क्लब में है और प्रेस के साथी हमेशा पीस पार्टी के मुद्दे को और राष्ट्रीय और प्रदेश में इस मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जो करीब करीब फासिस्ट तरीके से कार्य कर रही है और समाज का कमज़ोर तबका, समाज का असंगठित तबका और समाज का माइनॉरिटी ख़ास तौर पर इनके निशाने पर है और देश को धर्म और जाति के में नफरत फैलाने का काम ये सरकार अपने कार्यक्रमों से कर रही है। समाज में इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो पर कैपिटा इनकम और समाज में लोगों के जीवन स्तर बढ़ाने के बजाय, रोजगार अवसर दिलाने के बजाय वो लगातार धार्मिक उन्माद से समाज का माहौल ख़राब करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। आज बाबरी मस्जिद के नाम पर और NRC और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो सरकार ये ला रही है, वो संविधान की जो मूल भावना है और उसके ख़िलाफ़ है। संविधान की आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
इतनी जो धाराएं हैं ये सभी की सभी धाराएं संविधान में इस देश के नागरिकों को बराबरी का हक देती है, अख्तियार देती है और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देती है बिना धर्म और जात की विभेद किए हुए। और समाज के जो सबसे कमज़ोर तबका है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सभी तरीके बताती है। तो इसके विभेद में सरकार जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला रही है उसके हिसाब से सिर्फ मुसलमान को इससे नागरिकता देने का विरोध कर रही है, इसको बाहर करने का काम कर रही है। जो हमारे संविधान की मूल भावना जो सेकुलरिज्म है और संविधान की जो इतनी आर्टिकल जो हमने बताई है इन सब के विरोध है। तो ये सरकार हमारे संविधान को ही बदलने की प्रयास कर रही है और इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपना वोट बैंक बनाए रखे, इसके अलावा और उसका कोई मंशा नहीं है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके उनको टारगेट करके अपने वोट बैंक को सहेजने का काम कर रही है। इससे देश और समाज में नफरत फैलेगा और समाज की जो सामाजिक ताना बाना है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये इस पर असर पड़ेगा। पीस पार्टी आने वाले इसी हफ्ते के अंदर अब बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे पीस पार्टी सहमत नहीं है और जो जनता है उसमें उसके खिलाफ काफ़ी असहमति है। इसलिए पीस पार्टी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में उसका रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही है और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसमें जो धार्मिक आधार पर सिर्फ मुसलमान को बाहर करने की, जो संविधान को बदलने की जो कोशिश हो रही है, पीस पार्टी उसका पूरी तरीके से विरोध करती है। और हम सभी ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले से इसके लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और इसके माध्यम से सरकार को बताने का कार्य किया है कि अगर सरकार ने इस अपने जो मंशा को नहीं बदला तो पीस पार्टी 10 फरवरी 2020 में वो जंतर मंतर पर एक बृहद प्रदर्शन करेगी और उसके साथ ही संसद का घेराव भी करेगी और जो भी लीगल तरीका है संवैधानिक तरीका से उस तरीके से पूरे देश में इसके लिए संघर्ष करेगी और पूरे देश में इसके लिए वो धरना प्रदर्शन करेगी और जो भी संवैधानिक तरीका है वो सरकार के इस धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सांप्रदायिक जो कार्य है इसका पूरे देश में पीस पार्टी विरोध करेगी। मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि देश के नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर, जात के आधार पर ये सरकार जो बांटने की प्रयास कर रही है उसमें पीस पार्टी के इस संघर्ष में आप सभी लोग सहयोग करें। आप सभी का ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार कोई भी हो संविधान के खिलाफ कर काम करती है तो आप उसे उसका विरोध करने में और सहायक हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि इतनी देर से क्यों जा रहे हैं आप लोग, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, पहले तो कोई नजर नहीं आई पीस पार्टी, आखिर में आके अब रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है तब पीस पार्टी नजर आ रही है, ऐसा क्यों चमकने की चाह? पीस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है और जब तक फैसला कोई नहीं आया था, अगर फैसला जो सारी सबूतें हैं उसके आधार पर हमें यह लगता है कि फैसला ठीक है और फैसला से हम संतुष्ट होते, जब तक फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट में है तब तक चमकने का तो कोई मतलब बनता नहीं है।
हम संविधान पीस पार्टी हमेशा संविधान और देश के कानून में विश्वास करती है और जो भी इदारे हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट है उस पर विश्वास रखती है। हमारा सुप्रीम कोर्ट पर आज भी पूरा विश्वास है और जो भी संवैधानिक तरीका है, अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल करना संवैधानिक तरीका अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो उस संवैधानिक तरीके का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध करके तो हम चमक नहीं सकते, वो संवैधानिक तरीका नहीं है। जब तक फैसला नहीं आ जाता और फैसले को हम एनालिसिस नहीं कर सकते तब तक तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। सर एक क्वेश्चन मेरा है, रिव्यू पिटीशन अभी तक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है 99% को रिव्यू पिटीशन खारिज की गई, लेकिन जब आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो क्या आपको उम्मीद है कि वो रिव्यू पिटीशन आपके पक्ष में आएगी? हम वो सारे काम संवैधानिक काम करेंगे जिससे जो भी अगर इनजस्टिस हो रही है उस इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए हम वो सारे संवैधानिक काम करेंगे, जो अगर लीगल काम रहेगा वो भी करेंगे और जो भी हमारे इस देश के कानून और संविधान ने जो भी हमें अख्तियार दिया है, जो भी हमें हक दिया है उस तरीके से हम उसका विरोध करेंगे और हम उसका करेंगे। हम सरकार में नहीं है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं और हम सरकार में होंगे तो इसे फिर भी बदलेंगे, मगर जब तक सरकार में नहीं है जो भी संवैधानिक तरीका हम इस्तेमाल करके, जो भी विरोध का तरीका है, जो भी लीगल तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब क्या आपको हक है ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का इस मामले में, क्योंकि अक्सर जो लोग पक्षकार होते हैं उनको ये हक होता है, इस मामले में ऐसा क्या है? पीस पार्टी पक्षकार है, पक्षकार है डॉक्टर अयूब और पीस पार्टी पक्षकार है। अगर आपको कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है और आपके हक में कोई भी एजेंडे नहीं आता है तो आगे आपका क्या? मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका है कि संविधान और देश के कानून ने जो भी तरीका दिया है, जो भी विरोध करने का तरीका आ गया है, धरना प्रदर्शन दिया है, एहतजाज दिया है, ज्ञापन दिया है, जो भी तरीका है सरकार के मंशा को बदलने का जो भी तरीका दिया है वो सारे तरीके को पीस पार्टी अख्तियार करेगी और पीस पार्टी का हर वो कार्यकर्ता अख्तियार करेगा। डॉक्टर साहब इस पर सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है जो मुसलमानों को उसके राइट से दूर कर रहा है, इक्विटी का है, संविधान में हो जाएगा, इसमें आप जनहित याचिका डालेंगे क्या वैसे ही विरोध करेंगे? ये अभी याचिका भी पास नहीं हुई इसलिए याचिका डालने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी ये संसद में पेश हुआ है और संसद में चल रहा है, अभी सरकार और माननीय सांसद लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पर फैसला करें, इसीलिए पीस पार्टी अभी इस पर सरकार की नींद जगाने के लिए पहले ही उसने अमेंडमेंट ज्ञापन दे चुकी है, जो एक तरीका है। हमने विरोध जता दिया है, अगर इस विरोध पर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे, ये हमारा बुनियादी अख्तियार है। पीस पार्टी जो भी अख्तियार है पीस पार्टी कर रही है, क्योंकि ये सांप्रदायिक सबसे बड़ा सांप्रदायिक काम है, ये किसी देश के नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और सरकार इसका मंशा सिर्फ वोट बैंक सहेजना है, राजनीति करना है, देश के नागरिकों के हित की बात के बजाय देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बांट करके सत्ता शासन में बरकरार में सरकार रखना चाहती है। पीस पार्टी इसकी घोर भर्त्सना कर रही है, इसका विरोध कर रही है और जो भी ये अनैतिक काम हो रहा है और सांप्रदायिक काम हो रहा है पीस पार्टी इसका विरोध करती है और हर स्तर पर विरोध करेगी। जितना भी इसको विरोध करने का अख्तियार है वो सारे तरीके इस्तेमाल पीस पार्टी करेगी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है, जैसे इस बाबरी मस्जिद पर जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या पीस पार्टी इसे अंतिम फैसला मानती है? अंतिम फैसला तो जनता का होता है, जनता के बीच में। मैं समझता हूँ कि ये फैसला हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और हम सहमत जो भी पक्ष सहमत नहीं रहा, संविधान ने इसीलिए व्यवस्था दी है कि अगर आप फैसले से सहमत नहीं हैं तो रिव्यू पिटीशन आप दाखिल कर सकते हैं। हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, हमें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला है और इस फैसले से असहमत होने के बुनियाद पर हम रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, जो एक तरीका है उसको हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर रिव्यू पिटीशन में भी नहीं आता है तो जो भी संवैधानिक तरीका हो सकता है और जो भी हमारा एक जो राजनीतिक तरीका हो सकता है वो तो पीस पार्टी उसको अख्तियार करेगी।
मुझे लगता है कि जो रिव्यू पिटीशन एक महीने के अंदर डाली जाती है डिसीजन इसी हफ्ते डाली जाएगी पीस पार्टी को, तो बता दिया टाइम एक महीने से करीब करीब होने जा रहा है अभी टाइम अभी खत्म नहीं है, वो हमें पता है कब दाखिल करना है और हम लोग इसी हफ्ते डाल रहे हैं।